वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो समय रहते मैंने इस प्लांट को वाइगोर के लिए छोड़ा था, बट मैंने उसको ट्रिम कर दिया तो ठीक ठाक ब्रांचें निकल आई है। तो इस बार तो हम उसको रिपोर्टिंग करेंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद पिछले साल हमने इस प्लांट का रिपोर्टिंग नहीं किया था। तो चलिए पहले डिफोलेशन कर लेता हूँ मैं। तो डिफोलेशन के बाद देख सकते हैं कुछ वायर भी हटा लिए हैं। तो प्राइमरी शेपिंग ये सब मूवमेंट आ जाती है मेन ब्रांचों में, उसके बाद तो हम वायरिंग करें या ना करें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर तो हमें रेमिफिकेशन पे ही काम करना है, कुछ ब्रांचों को छोड़ के हमें वायरिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ कम डाइपेक देखने को मिलेगा, बट यहाँ अनवांटेड ब्रांचें ज़्यादा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो रेडी रखना होता है जब हम निकालते हैं अनवांटेड ब्रांच तो एंटी फंगस पाउडर या फंगिसाइड। तो चलिए शुरुआत की जाए, यहाँ से करते हैं शुरुआत। ये देखिए यहाँ हमें तीन ब्रांचें मिली हैं, तो इसमें से हमें तीन में से एक ही निकालते हैं। तो यहाँ एक वी शेप बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो यहाँ मेन स्टेम से जो नज़दीकी ब्रांच है उसको पहले निकालते हैं, जिससे यहाँ की दूरी ठीक ठाक लगे, और ये बीच वाला जो बचा कुचा हिस्सा है उसको निकाल देते हैं तो बन जाता है ये वी शेप। वही बनाना होता है, अगर अच्छे से ना कटा है तो उसको थोड़ा फिनिशिंग करें, इसको नहीं उड़ाना है हमें, बस हो गया। और लगा देना होता है यहाँ फंगिसाइड, और चाहो तो आप ट्रिम भी कर सकते हैं यहाँ से और यहाँ से, तो ये मल्टीप्लाई करेगा आगे। तो चलिए यहाँ चलते हैं। यहाँ भी इसको थोड़ा वायरिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ भी देखिए इस तरह है, तो बीच वाला हटा दिया कि ये वांटेड हो गए, यानी वी शेप आ गया। तो यहाँ दोस्तों देखिए यहाँ नज़दीकी मामला इस ब्रांच में है, तो ये आइडेंटिफाई करना आ ही जाना चाहिए, ये बहुत ही नज़दीक है। तो हम इसको भी निकाल सकते हैं या इसको भी। तो अब हो गया, ये दो ब्रांच आ गई, और ऊपर वाला जो डंड उसको बैकबर्ड कर देते हैं। तो ये ऐसा करते वक्त ऐसा हो सकता है, ध्यान रहे, क्योंकि कटर थोड़ा डिस अलाइनमेंट हुआ है तो इसको थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। ये काटते वक्त ये ना चला जाए वो ध्यान में रखना है, बहुत ही नाजुक काम है ये, उसको बचाना। और फाइकस में कोई इतने नज़दीक से नहीं काटेगा, मैं हिम्मत कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है फंगिसाइड। चलिए इसी तरह से हम आगे चलते चले जाएंगे और साथ साथ होती रहेगी हमारी ट्रिमिंग। और इसके बाद हम एक दो दिन में यहाँ स्प्राउटिंग के बाद भी कर सकते हैं रिपोर्टिंग, या उसी दिन भी कर सकते हैं क्योंकि सीजन सही है अभी। तो जहाँ जहाँ भी इस तरह कट लगेगा वहाँ तो हम लगाएंगे ही फंगिसाइड इस तरह से, और लगाते ही रहना है फंगिसाइड। मैं तुरंत लगा देता हूँ। ये पिछले साल का भी यहाँ कलर देख सकते हैं आप, यहाँ भी दो ब्रांचें एक ही जगह से, तो यहाँ कोई वी शेप नहीं बन सकता, दूसरी और ब्रांच होनी चाहिए दोस्तों, दूसरी और नहीं है, एक ही जगह से ग्रो हुई है, उसको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है। दोनों और साइड होती तो वो पैरेलल कहलाती, बट यहाँ से ब्रांच होती तो अगर यहाँ से एंड है तो वो पैरेलल नहीं कहलाएगी। ये सब बातें ध्यान में रखनी है। यहाँ देखिए एक ही जगह से दो, पर आमने सामने है दोस्तों, एक ही जगह से नहीं है, दूसरी साइड से और ये दूसरी साइड से, तो यहाँ वी शेप बनता है। तो वी शेप कब बनता है वो ध्यान में रखें। तो इसी तरह से हमें ये काम करना है। ये अनवांटेड हो गई, यहाँ दो ब्रांचें हैं दोस्तों, देखिए यहाँ दो है, तो ये यहाँ से नज़दीक है तो उसको हम हटा देंगे, भले ही कितना हेल्दी भी क्यों ना हो। और ऊपर वाला ये चीज़ थोड़ा डिसअलाइनमेंट है, मेरा कटर तो फाइनल कट नहीं दे पा रहा, तो ऐसे में लगता है यहाँ सूरी चलानी पड़ती है।
क्योंकि यहाँ जितना अच्छा फिनिशिंग मिलेगा इतना जल्द उतना ही डायबैक कम होगा और हीलिंग हो जाएगा। और देखिए यहाँ ये अंदर हो रहा है तो इसको बाहर निकालने के लिए हमें केवल यहाँ वायर चाहिए, तो वो लगा देते हैं। चलिए यहाँ का काम हो गया, क्योंकि ये राफ्ट स्टाइल है दोस्तों। यहाँ एक पेड़ अलग होगा, यहाँ एक प्लांट अलग होगा, यहाँ प्लांट, तो सभी ब्रांचें एक प्लांट को रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, क्योंकि ये राफ्ट स्टाइल है। एक बड़ा है तना, उसके ऊपर से सब ग्रो हुआ है। अब यहाँ यहाँ कोई कैरेक्टर नहीं है बोनसाई का, तो इसको हमें निकालना है। ये जो बड़ी सी चीज़ है लंप, उसको निकाल के यहाँ हमें थोड़ा मूवमेंट लाना है, यहाँ से कर्वो वाला मूवमेंट। उसके लिए उसको स्टेप बाय स्टेप निकालते जाना है। तो यही सब सीखना है दोस्तों, कब क्या करना है, कौन से सीज़न में। तो अभी ग्रोइंग सीज़न है तो प्लांट बहुत ही अच्छे से हीलिंग कर जाते हैं, तब ये सब मेजर वर्क में आता है ये सब काम। तो ये सब हम कर सकते हैं, तो उसको फिनिशिंग करने के लिए मेरे पास है हैंडमेड नाइफ। देखिए मैं खुद ही मेरे टूल्स डेवलप करता हूँ, सब करते हैं अपने हिसाब से। ये सब जुगाड़ करना आ जाता है तो सब अपने आप अरेंज हो जाता है दोस्तों। क्या चाहिए वो ज़रूरी है, कहाँ से मिलेगा वो हम ढूंढ लेंगे, तो किससे बनाना है वो मैं ढूंढ लेता हूँ। चलिए यहाँ फंगिसाइड, ये पेतरा भी मैंने अपने अनुभव से सीखा है दोस्तों, कि जहाँ से कट होगा वहाँ फंगिसाइड लगेगा, क्योंकि मैंने पिछले सालों में एक्सपीरियंस किया है, उसका बहुत सारा फ़ायदा है। जस्ट पानी मिलाओ और लगा दीजिए। आगे चलते हैं, यहाँ डाइबैक हुआ है, उसको निकालते चले। ये पिछली बार का वायरिंग मैंने नहीं निकाला है, क्योंकि यहाँ अभी प्राइमरी है, सेकेंडरी चीज़ आई ही नहीं है। यहाँ भी लगा लेता हूँ, तो मैं रीयूज करता हूँ धड़ल्ले से वायर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, देखिए शुरुआत में आ गए थे, टॉप वाली ब्रांच केवल बाकी है अब। तो यहाँ भी कुछ से बना हुआ है अनवांटेड चीज़, ये देखिए, ये इसके पीछे एक ये और ये हो गया, और यहाँ से निकालना है इस टीप को, और थोड़ा वायरिंग करेंगे जिससे ये दोनों की मूवमेंट थोड़ी अलग दिखा पाएंगे। तो छोटी छोटी मगर काम की चीज़ें बताता रहूँगा दोस्तों, तो बने रहना है केवल हमारे साथ। ओके, यहाँ थोड़ा वायर, तो अब जो भी ग्रोथ होगा उसके बाद प्लांट में लुक आएगा। यहाँ ब्रांचें कुछ ऐसे ही बनी हैं, उन सबको थोड़ा वायरिंग की ज़रूरत है, वो मैं बाद में कर दूँगा। तो चलिए रिपोर्टिंग के वक्त मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों पॉट खोला जाए, इससे पहले चेक कर ले कहीं एंकर तो नहीं किया है। तो ये मेरे ख्याल से नीचे से बांधा है, तो इसको मैं निकाल देता हूँ और पॉट में से निकाल के देखते हैं। तो चलिए देखते हैं रूट सिस्टम, यहाँ कटिंग भी हो किया होगा मैंने पिछली बार, तो उसका भी कुछ इस्तेमाल देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो चलिए रूट सिस्टम को देखते हैं, जो भी रोड बढ़ जाती है उन सबको हमें निकालना है। देखते हैं हमारा सोइल मिक्स किस तरह का सोइल मिक्स होता है, तो कहीं बाइंडिंग नहीं होता और चौकअप तो बिल्कुल भी नहीं होता, और ज़्यादा गर्मियाँ होती है फिर भी अंदर से
एक्टिविटी रहता है। तो बड़े बड़े रूट्स निकाल देने हैं। तो चलिए कौन से रूट निकालने हैं, तो ये जो बड़े रूट है वो देखते ही निकाल देने हैं, वो भी पूरे के पूरे, और लगा देना है बाद में फंगिसाइड। तो जितना हो सके इतना उसको बेस में से ही निकाल दे, जिससे जो दूसरे रूट उसमें से डेवलप होने लगे। और जैसे भी लगा कट लगा दिया, मैं तुरंत ही लगा देता हूँ, कोई कुछ अशुद्धि लगने से पहले हमें पहले ही ये फंगिसाइड लगा देना है। तो ये जो रूट है बड़े बड़े, ये सब कट करने हैं। जिस प्लांट का कटिंग भी हो जाता हो दोस्तों, उस प्लांट का रिपोर्टिंग बहुत ही इजी होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग के बाद रिकवरी बहुत ही बढ़िया से हो जाती है। तो हम जितने चाहे रूट इस तरह के प्लांट के निकाल सकते हैं। तो जो हमारा सोयल मिक्स है उसको 2 दिन सुखाना है पॉट में से निकालने के बाद, और उसको सान लेना है सनली से, और फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं हम, क्योंकि उसमें जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं सैंड वगैरह, वो तो हम इस्तेमाल कर ही सकते हैं। यहाँ कुछ बड़ी रूट्स है अंदर से, वो भी निकाल लेनी पड़ेगी। तो रिपोर्टिंग यानी बड़ी रूट से प्लांट को छोटे रूट में लाना है। ये टेप रूट हो जाती है जो कि हमारे काम की नहीं है, जो ड्रेनेज होल से बाहर ग्रो करने के लिए बड़ी हो जाती है, जो हमें नहीं रखनी है। तो एज अ सेफ्टी में ये काम करता हूँ। तो रिपोर्टिंग में इतना ट्रिमिंग चल सकता है, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं रूट ट्रिमिंग। चलिए उसको पोट दे देंगे। प्लांट का बेस बड़ा है तो इस तरह से एक टीला सा बना लेना है पोट में, बड़े पार्टिकल आ जाते हैं तो उसको निकाल सकते हैं। चलिए अब ऊपर से थोड़ा सोयल मिक्स डालते हैं। प्लांट को ऊपर से ही रखा है और फिर वायर भी लगाया है तो उससे टाई कर देंगे, और बाद में हमें रूट सेटलमेंट करना है, यानी रूट इधर उधर है तो उसको सही दिशा में लाना होता है। रिपोर्टिंग के बाद हमेशा प्लांट को शेड में भी रखते हैं, फाइकस वगैरह है तो कुछ दिक्कत नहीं आती, बट फिर भी एज अ सेफ्टी शेड में रखिए कुछ दिन, जैसे ही स्प्राउटिंग वगैरह दिखाई दे उसको ले सकते हैं बाहर। तो यहाँ कुछ गांठें हैं रूट में, तो ये निमोटेट का असर भी हो सकता है। पॉट बड़ा है तो फ़ायदा मिलता है। यहाँ इस स्टेज पे हमें जो अनवांटेड जो रूट्स है वो भी निकाल देनी है। यहाँ से एक निकल रही है, तो रूट में भी फाइन वर्क कर सकते हैं। और ये पहले देखिए दोस्तों, जब लगाया था उसके बाद ये ग्रो हुआ और ये एरियल रूट था, अब ये अपना बेस बन गया है, यानी ये उसने बेस की चौड़ाई और टेपर में भी इजाफा किया है। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।